आप सभी दर्शकों का स्वागत है। खबरों की ओर बढ़ने से पहले एक नजर हेडलाइंस की ओर। करोड़पति बनने की चाह में लुट गया व्यापारी, IRCTC घोटाला, राबड़ी तेजस्वी पहुंचे कोर्ट, लालू की नहीं हुई पेशी। आज नरसिंहपुर में अमित शाह की सभा, किसानों को रुहाने की कोशिश करेंगे। अब खबर विस्तार से। पश्चिमी जिले के तिलक नगर इलाके में 2.5 करोड़ की लॉटरी लगने का झांसा देकर ठगों ने युवक से लाखों रुपए ठग लिए। फिलहाल पुलिस पीड़ित के बयान पर केस दर्ज कर ठग की तलाश कर रही है। आइए देखते हैं। रेलवे टेंडर घोटाले की सुनवाई के लिए बिहार की पूर्व मुख्यमंत्री राबड़ी देवी और उनका बेटा नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव दिल्ली के पटियाला हाउस कोर्ट में पहुंच चुके हैं। लालू की वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए पेशी होनी थी, जिसे 20 दिसंबर तक टाल दी गई है। विधानसभा चुनाव के मद्देनजर आज बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अमित शाह पहली बार नरसिंहपुर जिले में आम सभा को संबोधित करने वाले हैं। यहां अमित शाह हेलीकॉप्टर से मेहर से 12:50 बजे नरसिंहपुर पहुंचेंगे। तो खबरों में आज के लिए इतना ही। MNS न्यूज लाइव की खबरें देखने के लिए आज ही प्ले स्टोर से MNS हिंदी ऐप डाउनलोड करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। तब तक के लिए नमस्कार।